सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। फिल्मों के डॉक्टर तो आपने देखे ही होंगे, ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो कह देते हैं आप सब कुछ भगवान के हाथों में है। पर सोचिए फिर कॉमेडी सर्कस के डॉक्टर क्या करेंगे। यहाँ एक पेशेंट की जान मुश्किल में है क्योंकि बीच ऑपरेशन में बढ़ती हो गई है गुल। तो देखते हैं ऑपरेशन होता है कितना सक्सेसफुल। प्लीज वेलकम बलराज एस बिजली कर्मचारी, दिव्यांश एस पेशेंट एंड आदिति एस डॉक्टर। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, बात तो गलत है मम्मी। नहीं औलाद तो निकम्मी है, ऐसे टीवी पे ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ घर के राज होते हैं मम्मी, नहीं बताने चाहिए। निकाल दो घर से। पर जो तेरी मम्मी का फोन था। अरे बाप रे, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम, इतनी सुंदर लड़कियां, ये होते फ्रेश फ्रूट। उधर देखो सेल भाई, पैसा फ्रूट ना सस्ते भाव में बेच रहे होते कि ले लो खत्म करो। फिर भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए इनकी ब्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है ना। गवर्नमेंट कोई भी फैसला सुना दे इनको कोई टेंशन नहीं होती। वरना मेरे को पता है जिस दिन प्लास्टिक बैन हुआ राखी कितना रोई है। फिर भाई बिजली कर्मचारी बना हूं आज मैं। एक्चुअली वैसे तो मेरा नाम रमेश है, लेकिन क्या है मुझे प्यार से सब लोग साला बोलते हैं। क्योंकि क्या है ना, जब भी हम पावर कट लगाते हैं दुनिया ये बोलती सालों ने फिर बत्ती गुल कर दी। मेरा निकनेम साला है। हमसे ज्यादा टैलेंटेड डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, जिस बंदे के घर में पंखा नहीं है वहां एसी का बिल भेजना टैलेंट है कि नहीं है। बिजली गुल करने का टाइम आ गया, अपन पावर कट लगा देते हैं। रोज टाइम पे बत्ती गुल करनी बड़ी जरूरी है। लो, कोई है? अरे भाई साहब ये बिजली का दफ्तर है। नहीं मैडम, ये मसाज पार्लर है। वो देखो दो पहलवान रखे मसाज करने के लिए। लेकिन क्या है ना, ये सिर्फ प्रोड्यूसर की टांगे दबाते क्योंकि चेक वहीं से मिलता है। अर्चना जी मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार आया था। भैया भैया भैया, जब आपका स्टैंड अप हो जाए ना तो बता देना, मैं पीछे ही खड़ी हूँ तब आ जाऊंगी, ठीक है? मतलब ये क्या तरीका हुआ? हाँ मेरे आने के बाद ये स्टैंड अप ही चलते रहते हैं। और चल जी, हाय 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 हाय, चल जी, हाय 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 हाय, बता हाय 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 हाय, क्या है? एक तो राइटर साले हराम खोर, मैं इधर स्टैंड अप करता हूँ, बाहर लड़की को नई लाइनें लिखवा देते। सुनो सुनो, बकवास ना बंद करो। बकवास बंद कर देते हैं। और ये बताओ, तुमने बत्ती क्यों गुल की? हाँ मैं ऑपरेशन कर रही थी, वहाँ बत्ती गुल हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो मैडम बत्ती गुल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, आपने दो लाइनें याद करनी होती है, आई एम सॉरी ही इज नो मोर। शाहिद कपूर, शाहिद हाय, रिमेम्बर मी, हमने चांस पे डांस किया था, रिमेम्बर, हमने साथ में फिल्म किया, ऑफ कोर्स। उसी शर्म के मारे तो आए नहीं यहाँ पे। हेलो बेबी, बाद में बात करता हूँ, अभी मैं खुल चुका हूँ। अरे डॉक्टर साहिब, ऑपरेशन छोड़ के बीच में किधर चली गई? वो चाचा, वो ऑपरेशन के बीच में इंटरवल हुआ था, पॉपकॉर्न लेने आई है। ये लो। अरे क्या कर रहे हो, मरीज को कुछ हो जाएगा। ये मरीज है, और तेरे से बड़ी किडनियां फेल होती शराबियों की। ये कहां से मरीज है, ये ले पॉपकॉर्न खा। अरे बोल रही हूँ मुंह से खिलाओ। तो मैडम मुंह से भी तो यही जाना, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ। बेटा एक काम कर, इसे सीधा फ्लश कर यार, टाइम बचेगा। अरे यार तुम ये बताओ, ऑपरेशन में इंटरवल कब से होने लगा? नहीं होता। नहीं, आपकी फिल्म कितने घंटे की है? 2:40। 2:40, इंटरवल कितने? एक ही है जी। 2:40 की फिल्म है, उसमें एक इंटरवल, तुम 6-6 घंटे के ऑपरेशन में इंटरवल नहीं रखते? सुहेल भाई इसी चक्कर में गलतियां होती, पता है इन लोगों से। 10 लाख रुपए मरीज से ले लेते, पेट में कैंची छोड़ देते हैं, उसको पता नहीं चलता वो बाहर से भी कट रहा है अंदर से भी कट रहा है। बकवास बंद कर, वरना चोटी पे लटक के पीठ पे मुक्का मारूंगा, बता दे रहा हूँ। तू क्या देख रही है, सफेद लाश? एक तो मेरे घुटने के बजाय पेट का ऑपरेशन कर दिया, ऊपर से अकेला छोड़ के आ गई मुझे। ओ चाचा चाचा सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, अंधेरे में नहीं दिखता, और वैसे भी जहाँ इंसानों का घुटना होता है वहां तो उसका पेट लगा है, मैं क्या करूँ यार।
चलो एक बात बताओ, तुम तो समझदार बूढ़े पेशेंट बने, तुमको भी नहीं पता चला कि तुम्हारे घुटने की जगह पेट कट रहा है, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? भैया ऐसे तो हमारी पहले एपिसोड से लाइन भी कट रही है। मैडम आप रिलैक्स हो, इधर आओ, आप इधर बैठो। चाचा रिलैक्स हो, इधर आओ, पानी पियोगे ठंडा? बेटा मेरा लीक हो जाना इससे अब पूछ ले। कुछ और नहीं तो पानी पिला दो। तो बाहर से ले लो, हमारे फ्रिज में तो बर्फ जमती नहीं है। ये फ्रिज में फाइलें कौन रखता है? अच्छा तुम लोग 5-5 दिन डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे आईसीयू में रख सकते हो बिल बनाने के लिए, हम लोग फ्रिज में फाइलें नहीं रख सकते हैं जी। कमाल है, हम फालतू के बिल नहीं बनाते हैं। ओके तुम लोग फालतू का बिल नहीं बनाते। भाई मैं ये इल्जाम अपनी जेब से नहीं लगा रहा, न्यूज चल रही सोहेल भाई हर जगह, नहीं यकीन आपको? अभी देख लो, ये देखो, ये देखो पेपर में आया। फ्रिज में फाइलें, टीवी में न्यूज़पेपर। मैं तो कहता हूँ जैसे सिद्धार्थ ठीक हो के आया ना, एक चक्कर तुम भी वहां का लगा लो। अरे यार डॉक्टर साहब ये टी शर्ट करना है, प्रिंट नहीं आया, पेट खुला है, इसे जल्दी से बंद करने के बारे में सोचो, ऑपरेशन करो मेरा। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो पूरे शहर की बत्ती गुल है लेकिन सिर्फ यहाँ पर बत्ती है, आपका ऑपरेशन मैं कर दूंगा, इधर आओ आप। अच्छा मतलब मेरे हिस्से का काम भी अब ये करेगा? वाह वो तो बेटा मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूँ। श्रद्धा आप ही मुझे एक बात बताओ कि एक 2% के बिजली वाले और एक डॉक्टर के बीच में क्या बराबरी हो सकती है? मैडम ऐसे तो श्रद्धा कपूर की भी अर्चना की से कोई बराबरी नहीं है, लेकिन बेचारी बैठी है ना फिल्म की प्रमोशन करने के लिए मजबूरी में। अच्छा, तो नहीं रहा। ब्लड टेस्ट करेंगे, इसको बहुत खून निकल गया, इसका ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप क्या है इसका? मैं चेक करता हूँ मैडम। ओ पॉजिटिव है सुहेल भाई। तुम्हें कैसे पता? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड का ना यहाँ से कट गया था एक बार, तो मैंने ऐसे किया था, सेम टेस्ट है मैडम, ओ पॉजिटिव। टेस्ट करोगे आप? अबे यहाँ पे यार चटनी का पैकेट नहीं फटा, पेट फटा है मेरा, जल्दी से बंद करने के बारे में सोचो। देखो चाचा मैडम थोड़ा उधर जाओ, प्राइवेट बात करनी। और थोड़ा दूर उधर, मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर दूंगा। ये लो पैसे लो, ये लो और दो। अरे यार ये लो और लो और लो, पूरा पैकेट ले लो। इतने में तो 6 कच्चे नहीं आते, तू पेट बंद करवाने आ गया अपना। इतना ही है मेरे पास। एक काम करो उठो फटाफट, मैं ना आपको ना एक अच्छे से दर्जी का नंबर देता हूँ, उसके पास जाके इसके टांके लगवा लो और मैं उसको बोल दूंगा आपके यहाँ कढ़ाई कर देगा, सुंदर दिखोगे। ठीक है जाओ आराम से जाना जरा। हाँ जी मरीज हूँ। थैंक यू सो मच। जी आप बताइए आपको कितनी हंसी आई? श्रद्धा बहुत हंसी आई, अदिति आपका जो बिगिनिंग था वो बहुत कमाल का था, ये हई आपका ये आपने ही क्रिएट किया है? हाँ एक्चुअली इसकी मजाक उड़ाते हैं बलराज की। सुपर सुपर व्यांश आपकी टाइमिंग बहुत सही है यार, बहुत बहुत सही है, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक एडवांस्ड कॉमेडियन एक छोटा बच्चा है, बहुत मजा आया, रियली रियली गुड। अर्चना जी आई एंजॉय दिस एक्ट थरली, डिलाइटफुल एक्ट, और इस एक्ट में तीनों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। इन ऑल जो लिखा था और लिखाई के ऊपर आप जो तीनों ने काम किया है वो काबिल तारीफ। वेरी नाइस। और सहज जी ऑब्वियसली जो लिखा गया था और जो परफॉर्म हुआ है वो कुछ अलग ही था, लेकिन इन तीनों में वो कैपेसिटी है कि इम्प्रोवाइज करके pick it up from where you drop it, each one of them, and especially Balraj. एक होता है कि jokes जो होते हैं दूसरे पे मार लो और अगर वहाँ नहीं फूटा तो खुद पे मार लो, और आप सब ने उसकी responsibility ले ली है, which comedy circus needs an applause for that. Well said. अब देखते हैं लाफोमीटर पर इनकी कमाई क्या हुई। बलराज अदिति और दिव्यांश आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 14 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 2,65,000 रुपए। थैंक यू।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।